ये कहानी ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जो एक ऐसा कल्ट चलाता है जिसमें वो अपनी ही बेटियों के साथ शादी कर लेता है। इसके बाद वो उनके साथ आगे क्या क्या करता है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक दूसरा चैनल भी शुरू किया है जिसमें मैं इससे भी बढ़िया बढ़िया मूवीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म का नाम है द अदर लैम्प और ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी शुरू होती है और हम काफी सारी लड़कियों को खाने की टेबल के पास बैठा हुआ देखते हैं। इन सभी लड़कियों के बीच में सिर्फ एक ही आदमी बैठा होता है जिसका नाम शेफर्ड होता है। दोस्तों, यहाँ पर जिन लड़कियों ने रेड कलर की ड्रेस पहनी है वो सभी लड़कियाँ शेफर्ड की वाइफ हैं और बाकी लड़कियाँ जिन्होंने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है वो सभी शेफर्ड की बेटियाँ हैं। दरअसल ये सभी एक कल्ट का हिस्सा है जो बाहरी दुनिया से अलग जंगल में रहते हैं और ये सभी लड़कियाँ शेफर्ड को ही अपना भगवान मानती हैं। अब ये उसे भगवान इसलिए मानती हैं क्योंकि शेफर्ड ने उनकी मदद तब की थी जब ये बहुत बुरे हालातों से गुजर रही थी और उन्हें बाहरी दुनिया ने बहुत परेशान कर दिया था, जिसके बाद शेफर्ड ने इनका ख्याल रखा, इनको प्रोटेक्ट किया और इनको रहने की जगह दी और इसी वजह से ये सभी शेफर्ड को अपना भगवान मानती है। यहाँ तक कि ये सभी लड़कियाँ खाने और सोने से पहले शेफर्ड के नाम की प्रेयर भी करती हैं। फिर एक दिन जब शेफर्ड अपनी बेटी सैला से बात कर रहा होता है तब हमें पता चलता है कि शेफर्ड को अपनी बेटियों में से सबसे ज्यादा प्यारी सैला ही लगती है क्योंकि उसका मानना था कि सैला अभी तक पूरी तरह पवित्र है। शेफर्ड सैला को हमेशा बताता था कि तुम बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह खूबसूरत हो और फिर जब सैला शेफर्ड से उसकी माँ के बारे में पूछती है तो शेफर्ड उसे बस यही बताता है कि तुम्हारी माँ दिखने में बिल्कुल तुम्हारी तरह थी और तुम्हें जन्म देते वक्त ही उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सैला एक कैबिन में दो लड़कियों के लिए खाना लेकर आती है। यहाँ इन लड़कियों में एक का नाम सैरा होता है और इन लड़कियों को यहाँ पर इसलिए रखा गया है क्योंकि शेफर्ड का मानना है कि ये दोनों लड़कियाँ पवित्र नहीं है और शेफर्ड ने बाकी सभी लड़कियों को ये बोला है कि अगर कोई भी इन लड़कियों को छुएगा तो वो भी इनकी तरह अपवित्र हो जाएगा। इसके बाद जब सैला सैरा के सामने शेफर्ड की बात करती है तो सैरा उसे बोलती है कि तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि शेफर्ड कितना बुरा इंसान है। अब इस पर दोनों की आपस में बहस हो जाती है और सैरा उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। अब इसके कुछ दिनों बाद जब सैला पहाड़ों पर घूम रही होती है तो तभी उसे उसका पहला पीरियड आता है। अब अपने पीरियड ब्लड को देखकर सैला बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। दरअसल उसे ये पता नहीं था कि पीरियड होना एक नॉर्मल है और ये सभी लड़कियों को होता है। अब ये देखकर सैला इतना ज्यादा डर जाती है कि वो वहाँ पर एक भेड़ के बच्चे को मार डालती है और फिर वो सभी को आकर बताती है कि जंगली कुत्तों ने आकर भेड़ों को मार दिया। वहाँ शेफर्ड भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है और उसे जाने देता है। अब सैला इतना ज्यादा डर गई थी कि उसे रात को नींद तक नहीं आती। तभी उसे बाहर कार की आवाज सुनाई देती है और फिर जब वो खिड़की से बाहर झांकती है तो वो देखती है कि शेफर्ड किसी पुलिस वाले से बात कर रहा है। वो पुलिस वाला शेफर्ड को धमकी देता है कि तुम लोगों को जल्दी ही ये जगह छोड़नी होगी वरना तुम सभी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर अगले दिन शेफर्ड सभी को बताता है कि हम सभी को ये जगह छोड़कर जाना होगा वरना बाहर की दुनिया वाले तुम सबको अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद शेफर्ड सभी को बोलता है कि मैं तुम सभी को एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब ये बात सुनकर सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती है पर वहाँ पर सैला इस बात को सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उसे ये जगह बहुत पसंद थी। फिर सैला को इस तरह उदास देखकर शेफर्ड उसके पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें दूसरी जगह बहुत पसंद आएगी और ये सुनकर सैला को थोड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद वो सभी अपना सामान पैक करके दूसरी जगह की तरफ निकल जाते हैं और वो लोग अपने साथ उन दो अपवित्र लड़कियों को भी ले जाते हैं। अब वो जगह काफी दूर होती है इसलिए उन लोगों को वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लग रहा था। इसी दौरान सैला को अपने पीरियड की डर की वजह से काफी अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अगले दिन वो लोग सफर के दौरान एक घर के पास आते हैं जो कि बहुत टूटा फूटा था। फिर सैला और उसकी एक बहन घर के अंदर जाकर देखने लगती हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी और ऐसे मौसम में बाहर रुकना ठीक नहीं था, इसलिए सैला शेफर्ड को इस घर में रुकने के लिए बोलती है पर शेफर्ड उसे यहाँ रुकने के लिए मना कर देता है और बोलता है कि ये जगह पूरी तरह टूटी फूटी है और इसी के साथ वो लोग बाहर कैंप लगाकर वहीं रुकते हैं। उसी रात सैला उस घर के अंदर जाती है और वहाँ पर वो दीवार पर लगी कुछ सीनरीज की फोटोज देखती है। फिर अगले दिन सभी लड़कियां सैला के पीरियड ब्लड को देख लेती हैं और वो उसे भी अपवित्र बुलाने लगती है। फिर जब शेफर्ड को इस बारे में पता चलता है तो वो सैला को सैरा के पास रहने के लिए भेज देता है क्योंकि वो भी अपवित्र होती है। अगले दिन वो लोग फिर से सफर पर निकलते हैं और काफी दूर जाने के बाद वो लोग आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। वहाँ पर सारा सैला से बात करती है और उसे बताती है कि मैं और तुम्हारी मम वो पहली औरत थी जो इस कल्ट में शामिल हुई थी। वो उसे ये भी बोलती है कि तुम्हें सभी लोगों ने कहा होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते ही मर गई थी मगर ऐसा नहीं है। वो तुम्हें जन्म देने के बाद भी जिंदा थी मगर उसे बाद में इन्फेक्शन हो गया था लेकिन शेफर्ड उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं गया और इसी वजह से तुम्हारी माँ की मौत हो गई। अब ये सब सुनने के बाद सैला को शेफर्ड पर काफी गुस्सा आता है और वो इस कल्ट को छोड़कर जाने के बारे में सोचने लगती है। उसी रात जब सभी लोग आराम करने के लिए रुकते हैं तब सैला सारा से पूछती है कि जब तुम्हें सारी सच्चाई पता है तो तुम इस कल्ट को छोड़ क्यों नहीं देती। पर इस पर सैरा उसे बोलती है कि बाहरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है और अगर मैं इस कल्ट को छोड़कर यहाँ से चली भी जाऊँ तो मैं किसके पास जाऊंगी, इसलिए मैं यहीं पर ही रहती हूँ। सैरा उसे ये भी बताती है
कि एक टाइम था जब शेफर्ड उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था, पर जब से वो अपवित्र हुई है तब से शेफर्ड ने उसे कल्ट से काफी दूर कर दिया है। अगले दिन वो सभी फिर से अपने सफर के लिए निकल जाते हैं, पर तभी उनमें से एक औरत जो प्रेग्नेंट थी उसे लेबर पेन होने लगता है। वो औरत बार बार यही बोल रही थी कि वो इस बच्चे को यहाँ पर जन्म नहीं देना चाहती, पर लेबर पेन ज्यादा होने की वजह से उस औरत को जंगल में ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ता है और बच्चा पैदा करने के साथ ही उसकी मौत हो जाती है। अब इससे सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, पर शेफर्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उस औरत की बॉडी को वहीं पर ही जलाने लगता है। पर तभी वहाँ पर सारा आती है और उसे बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, पर शेफर्ड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो उस मरी हुई औरत की बॉडी को जला देता है। फिर जब वो लोग आगे सफर के लिए निकल रहे होते हैं तो शेफर्ड उस औरत के बच्चे को अपने साथ नहीं ले जाता, क्योंकि उस औरत ने एक लड़के को जन्म दिया था और शेफर्ड के हिसाब से इस कल्ट में कोई भी लड़का नहीं हो सकता। पर सारा जब ये सब देखती है तो वो डिसाइड करती है कि वो उनके साथ आगे नहीं जाएगी और वो उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए यहीं पर ही रुकेगी। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद वो सभी रुक जाते हैं, क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि वो लोग रास्ता भटक चुके हैं। तभी उनमें से एक लड़की दूसरी तरफ हाथ दिखाकर बोलती है कि मैंने वहाँ पर कुछ देखा है, पर ये सुनते ही शेफर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो उसको बोलता है कि क्या तुम हमें लीड करने की कोशिश कर रही हो, और ये बोलकर वो उसे मारने लगता है और उसे बताता है कि यहाँ पर लीडर सिर्फ मैं हूँ। ये सब चीज वहाँ बैठी सब लड़कियाँ देख रही थी, पर वो सिर्फ चुपचाप बैठी रहती है। सेला को भी ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो शेफर्ड को कुछ बोलती नहीं है। इसके बाद वो लोग फिर से चलना शुरू करते हैं और थोड़ी देर बाद वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होती है। उस जगह को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और फिर शेफर्ड सभी को बोलता है कि मैं तुम लोगों को धरती पर ही स्वर्ग दे रहा हूँ। इसके बाद शेफर्ड अपनी सभी बेटियों को नदी में नहलाकर उन्हें पवित्र करता है। फिर रात को शेफर्ड की सभी वाइफ आपस में बातें करती हैं कि कल शेफर्ड उन सभी का पुनर्जन्म करेगा। अगली सुबह जब सारी बेटियां उठती हैं तो वो देखती है कि उनकी मॉम्स वहाँ से गायब हैं। फिर वो सभी अपनी माँ को ढूंढते हुए नदी के पास जाती हैं, जहाँ पर शेफर्ड बैठा हुआ था। फिर शेफर्ड अपनी बेटियों को बोलता है कि मैंने इस नदी की मदद से तुम सभी की माँ को मोक्ष दे दिया है, लेकिन असलियत में पिछली रात शेफर्ड ने उन सभी को नदी में डुबाकर मार दिया था। इसके बाद शेफर्ड अपनी सभी बेटियों को बोलता है कि अब से तुम सब मेरी वाइफ बनोगी, और फिर वो सैला को अपने पास बुलाता है और उसे बोलता है कि तुम मेरी सबसे अच्छी वाइफ बनोगी और इस कल्ट को लीड भी करोगी। पर इस पर सैला उसे मना कर देती है, जिस पर शेफर्ड गुस्से में उसे एक चांटा मारता है। इस पर सैला को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी शेफर्ड को जोर जोर से चांटे मारने लगती है। अब सैला को देखकर बाकी सभी लड़कियों की भी हिम्मत बढ़ जाती है और फिर वो सभी लोग मिलकर शेफर्ड को जान से मार देते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद जब पुलिस वाले वहां पर आते हैं तो उनको शेफर्ड की सभी वाइफ्स की डेड बॉडी मिलती है, और साथ ही जंगल में आगे जाने पर उन्हें शेफर्ड की भी डेड बॉडी मिलती है जिसके सिर पर लैंप के सिंग लगे हुए थे। और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द अदर लैंप मूवी की पूरी कहानी। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो IMDb पर इसको मिले हैं 5.3 out of 10 और रोटन टोमेटोज पर है ये 75% फ्रेश। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही मैंने अपने दूसरे चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।